2000 years later. तो साथियों आज हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जितने भी रूट वाली संख्या हैं उन सभी का जोड़, गुणा, घटाना और भाग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया है इसमें 2√3। पहला स्टार्ट करते हैं पहला से। तो दिया है 2√2 + 5√3। इतना और इतना को जोड़ना है तो इसको प्लस जोड़ते हैं। तो प्लस यहाँ पे कर दो, उसके बाद यहाँ पे √2 हो जाएगा और माइनस 3√3। तो भाई देखो इसमें प्लस है, ये माइनस है। तो आप लोगों को मैं बताया हूँ जोड़ने के लिए प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जोड़ने के लिए हमें प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तो हमेशा होगा माइनस माइनस, लेकिन जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है हमेशा। माइनस को अगर प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को प्लस को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ जोड़े माइनस प्लस को अगर जोड़ते हैं तो ये हमेशा इसमें भी माइनस होता है, चिन्ह माइनस होगा लेकिन जो संख्या रहेगी वो बढ़ी जाएगी, उसका वो अलग चिन्ह लगेगा, उसका चिन्ह लगेगा। जो संख्या बढ़ी रहेगी उसका चिन्ह लगेगा। और देखिए माइनस को माइनस माइनस को जब जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस होगा, ठीक। चिन्ह माइनस रहेगा लेकिन वो संख्या जुड़ जाएगी। इसमें क्या करना है, देखिए ये हो गया प्लस, ये और ये हो गया प्लस, इसको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा 2√3 और 2√2। रूट रूट एक साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2। अब इसको देखिए, इसको जब इसको जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। इसमें संख्या बड़ी वाली है 5, इसमें 5 बड़ा है ना, ये 3 छोटा है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा तो संख्या का माइनस हो जाएगा लेकिन हमेशा चिन्ह बड़ा वाला रहेगा। तो प्लस 5 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा, इस संख्या में संख्या केवल घटाएंगे, 5 में 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और √3। इसी तरह से होता है भाई। चलिए मैं आप लोगों को इस तरह से बता रहा हूँ, इस तरह से ऐसे मिला होगा। जैसे दिया है √2 + 5√3 को जोड़ो √2 - 3√3। तो देखिए भाई जोड़ने के जब जोड़ने वाला जब होता है तो एक साथ जो रूट जो एक जैसा रूट रहेगा वो एक साथ हो जाएगा और जो रूट एक साथ रहेगा वो एक साथ जाके बनता है, ठीक। देखिए ये 2√2 और ये हो गया √2, इसमें 2 हो गया और इसमें कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3√2। अब देखिए अब बच गया ये वाला और ये वाला, ये हो गया √3, ये भी √3 है ना, तो देखिए ये प्लस में है 5√3 और ये हो गया माइनस में है -3√3। तो प्लस माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस होगा हमेशा, तो देखिए 5 में से 3 घट जाएगा। अब देखिए जो संख्या बढ़ी रहेगी उसका चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 हो जाएगा, 5 वाला प्लस हो जाएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2√3। बस इसी तरह से जोड़ना है। तो पहला हो गया, आप दूसरा बता रहे हैं आप लोगों को। ये हो जाएगा 6√5 + 2√7। इसको घटाना है 3√5। देखिए अब +2√7 है ना, देखिए यहाँ पे 6√5 + 2√7 है ना। अब देखिए ये कोष्टक तोड़े, जैसे कोष्टक है तो जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3√5 माइनस, कोष्टक टूटेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√7। अब देखिए जो एक जैसा रहेगा उसको एक साथ ले जाएंगे, जो जैसा रहेगा वही उसके साथ ही जाएगा, तो देखिए ये √5 वाला √5 के साथ जाएगा, √7 वाला √7 के साथ जाएगा। तो देखिए इसमें 6√5 हो गया और ये हो गया 3√5, ये है प्लस में ये है माइनस में, तो देखिए ये चिन्ह इसका बड़ा है इसका चिन्ह छोटा है, तो प्लस माइनस मिलेगा तो हमेशा माइनस होगा लेकिन चिन्ह के साथ उसका चिन्ह लगता है, जो संख्या बड़ी रहेगी उसके साथ चिन्ह लगता है, उसी का चिन्ह लगता है। अगर प्लस में बड़ा रहेगा तो प्लस लगेगा, माइनस बड़ा रहेगा तो माइनस लगेगा। तो 6 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा,
तीन हो जाएगा, तो 3 √5 हो जाएगा प्लस। अब ये बड़ी संख्या, ये वाली संख्या बड़ी है प्लस वाली, तो प्लस लगेगा। अब देखिए ये होगा 2 √7, आई हो गया 2 √7। तो देखिए ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 3 √5। बस इसको इसी तरह से करना है, और आपको बता रहा हूँ। अब दिया तीसरा गुणा, दिया है तीसरा गुणा, दिया है जैसे दिया है 6 √5 गुणे 2 √5, तो गुणा करना है ना। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो इसका इसका गुणा करेंगे और इसका भी गुणा होता है, ठीक ना। उसमें तो केवल इसका संख्या का जोड़, संख्या से जोड़ घटाना होता है, ये वाला तो उसी तरह से रह जाता था, लेकिन इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें टोटल दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे, और 5 में √5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। और जैसे 5 में √5, तो 5 का स्क्वायर हुआ ना, इसमें 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कर दो तो 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। जैसे √a का गुणा करेंगे, √a में हमेशा √a होता है, ठीक। उसी तरह से 5 में गुणा करेंगे तो हमेशा 5 होगा, तो उसी तरह से 5 का √5 में गुणा किया तो हो गया 5, तो 12 × 5 हो जाएगा 60। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा दे रहा है भाग, देखिए इसमें दे रहा है 8 √15 को 2/3 से भाग देना है, 2/√3। तो देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसे √15 दे दिया, इसमें जैसे 15 दे दिए, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको फैक्टर करो, 5 × 3 होगा ना, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 5 × √3। देखिए अब यही सेम रहता है, 5 √5 × √5, ये 5 हो जाता, लेकिन ये संख्या अलग अलग है तो ये कभी जुड़ेगा नहीं, ठीक ना, इसका गुणा होगा तो √ नहीं हटेगा। इसी तरह से इसको करना है, इसी तरह तोड़ना है इसको, देखिए ये हो गया 8 × √5 × √3। और यहाँ पे नीचे रहेगा 2 √3। देखिए 3 से √3 कट जाएगा, और 2 से 8 कट जाएगा, 2 × 4 = 4 में, तो बचेगा यहाँ 4 √5। तो भाई आप लोगों को सवाल कैसा लगा, अगर आप लोगों को सवाल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कुछ और सवाल बताता हूँ, कुछ फार्मूला है, देखिए ये हो गया √ab जैसे रहेगा, √ab इसका फार्मूला होता है √a × √b, ये फार्मूला है याद कर लीजिएगा। इसमें दे रहा है √a + √b, √a + b, √a − √b, तो क्या हो जाएगा। अब इसका इसका में गुणा करेंगे ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √a × √a, इसका फिर एक बार इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो √a × √b। और फिर अब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे एक बार इसमें, इसका हो जाएगा प्लस √b × √a। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √b × √b। तो देखिए √a में एक का गुणा करेंगे, देखिए जब एक जैसा रहेगा, ये संख्या एक जैसा रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस कट जाएगा, अब इसका इसी तरह से हो जाएगा √ का स्क्वायर b हो जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा a − b, बस इसका इसी तरह से होता है। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें किया ना, अब देखिए जब एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा तो इसका फार्मूला होता है √a² a² − b² a − b² फार्मूला होता है ना क्वेश्चन में, a + b
ए माइनस बी तो होता है ना, इसका स्क्वायर हो गया है रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी उसी तरह से। देखिए जिसे दिया है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, क्या करेंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस टू गुण रूट ए गुण रूट बी। रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा ए, रूट बी का स्क्वायर करेंगे बी हो जाएगा टू रूट ए गुण रूट बी, इसी तरह से करेंगे।